केंद्रीय गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की संयुक्त पत्रकार परिषद द्वारा जाहिर करेला नवा आंकड़ाओं मुजब देश में छेल्ला 24 कलाक में कोरोना वायरस ना नवा 1543 केस नोंधाया छे, ज्यारे 684 लोको साजा थया छे, ज्यारे अत्यार सुधी में देश में कुल्ले 29,435 केस नोंधाया छे, तेमाथी 21,632 एक्टिव केस छे। कोरोना बीमारी थी अत्यार सुधी देश में कुल्ले 6,886 लोको साजा थया छे। अहमदाबाद और सूरत गई है, उनका फीडबैक साझा करूंगी। सूरत में आईएमसीटी ने पाया कि प्रशासन आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके केसेस की पहचान और ट्रैकिंग कर रही है। प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों का डेटा, डोर टू डोर सर्वे, एक्टिव सर्वेलेंस, जेमिनी मोबाइल ऐप इत्यादि का डेटा जीआईएस मैप पर प्लॉट करके इसकी डिटेल्ड एनालिसिस कर रही है, जिससे कि आगे की कार्यवाही तय कर सके। आईएमसीटी ने पाया कि प्रशासन एक्सटेंसिव टेस्टिंग कर रही है, जिससे कि कोविड प्लस केसेस की पहचान आरंभिक चरण ही में हो जाए। सूरत नगर निगम का वॉर रूम और एक स्पेशल टीम ऑफ डॉक्टर्स इसी काम में जुटे हुए हैं। आईएमसीटी ने हॉस्पिटल्स, कंटेनमेंट जोन्स, टेस्टिंग फैसिलिटीज इत्यादि का भी दौरा किया। उन्होंने पाया कि अधिकांशतः लॉकडाउन के नियमों का पालन हो रहा है। पुलिस नाकाबंदी और पिकेट्स के अलावा मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कि ड्रोन्स और सीसीटीवी का भी प्रयोग कर रही है, जिससे कि लॉकडाउन का अनुपालन हो। परंतु कुछ अंदरूनी गलियों में लॉकडाउन का नियमों का उल्लंघन ना हो, इसके लिए उन्होंने प्रशासन को सुझाव दिया कि और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। सूरत में प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रशासन, एनजीओज और इंडस्ट्रीज ने मिलकर फूड पैकेट्स और राशन किट्स का इंतजाम किया है। यह प्रशंसनीय है कि वितरण के समय सभी सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल का बहुत अच्छी तरह अनुपालन करते हैं। आईएमसीटी ने प्रशासन को सुझाव दिया है कि श्रमिकों के साथ कोविड-19 के बारे में जो जानकारी है उसको उन्हीं की भाषा में साझा करें। आईएमसीटी ने प्रशासन के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ भी विचार विमर्श किया है, खासकर टेक्सटाइल और डायमंड इंडस्ट्रीज जो श्रमिकों का मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। ज्यादातर श्रमिकों को पिछले महीने की तनख्वाह प्राप्त हो चुकी है। आईएमसीटी ने प्रशासन को सुझाव दिया है कि भविष्य में क्या कदम उठाए जाएं, इसके बारे में भी वो योजना बनाएं। जो हमारी आईएमसीटी अहमदाबाद गई है, उसने वहां पे हॉस्पिटल का, केयर सेंटर का, ब्लड डोनेशन कैंप का, शेल्टर होम्स का, प्राइमरी हेल्थ सेंटर इत्यादि का दौरा किया है। उन्होंने जो हाईवेज पर चेक पॉइंट्स लगे हुए हैं और जो क्वारंटाइन क्लस्टर्स के एंट्री पॉइंट्स हैं, उनका भी मुआयना किया। उन्होंने पाया कि क्वारंटाइन क्लस्टर्स के जो एंट्री पॉइंट्स हैं, उसमें पुलिस और मेडिकल टीम्स की ज्वाइंट व्यवस्था है। टीम ने विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ भी विचार विमर्श किया। सिविल हॉस्पिटल के दौरान विजिट के दौरान उन्होंने पेशेंट्स के रिश्तेदारों के साथ बातचीत की। अस्पताल की सुविधाएं संतोषजनक पाई गई। मरीजों के रिश्तेदारों ने भी उन्हें बताया कि वे सुविधाओं से संतुष्ट हैं। उन्होंने केयर सेंटर का भी दौरा किया और पाया कि वहां पे पर्याप्त क्षमता है और जिन मरीजों में कोविड के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, आवश्यकता पड़ने पर डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में पहुंचाने की उनके पास अच्छी व्यवस्था है। अभी तक 19-20 मरीजों को वहां पे शिफ्ट किया गया है। यहां भी सुविधाएं संतोषजनक है। टीम ने पाया कि जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया था, वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि का पालन हो रहा है। सर्वेलेंस और वल्नरेबल पॉपुलेशन की पहचान के लिए प्रशासन ने काफी कदम उठाए हैं। उन्होंने हाउस टू हाउस सर्वे किया है, इलेक्टोरल रोल का डेटा यूज किया, प्रोजेक्ट लाइफलाइन का डेटा, निक्षय का डेटा, टेको प्लस डेटा इत्यादि के माध्यम से उन्होंने वल्नरेबल लोगों की पहचान की है और उनकी टेस्टिंग चल रही है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर के कैंप में उन्होंने एक मोबाइल टेस्टिंग वैन को भी देखा, जिसको लोकल री इंजीनियरिंग से बनाया गया है और ये काफी लाभदायक सिद्ध हुई है और मेडिकल टीम के लिए भी सुरक्षित है।
IMCT ने सुझाव दिया है कि राज्य सरकार केंद्रीय सरकार की सहायता लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में एक मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट की स्थापना करे जहां उपकरणों की कोविड टेस्टिंग के लिए फैसिलिटीज डेवलप की जा सकती हैं। IMCT ने पाया कि लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन हो रहा है, पुलिस ने काफी इनोवेटिव सॉल्यूशंस यूज किए हैं जैसे कि ड्रोन्स और जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना हो। उन्होंने काथवाड़ा और नरोड़ा के शेल्टर होम्स का दौरा किया क्योंकि प्रशासन ने करीब ऐसे 33 शेल्टर होम्स बनाए हैं। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि जितने जो श्रमिक हैं उनको इस तरह 33 शेल्टर होम्स में बांटा जाए जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग अधिकतम हो पाए। यहाँ सारे शेल्टर होम्स में सुविधाएं अच्छी उपलब्ध थी और योगा और अन्य एंटरटेनमेंट की भी सुविधाएं थी। एक अनूठा उन्होंने प्रयोग पाया अहमदाबाद में, जो ग्रामीण एरिया है वहां हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम योद्धा समिति का गठन किया गया है। ग्राम योद्धा समिति में सरपंच है, विलेज हेडमैन है, हेल्थ वर्कर है, हेडमास्टर है, तलाटी इत्यादि हैं। ये समिति जो है लॉकडाउन का पालन करते हुए गांव में राशन, सब्जी, दवाइयां इत्यादि को डोर स्टेप पे डिलीवर करती है। इसके अलावा वो आवाजाही पे और लॉकडाउन के नियमों के पालन पर भी नजर रखती है। IMCT का सुझाव है कि इस इनिशिएटिव को बाकी राज्यों द्वारा भी अपनाया जा सकता है। IMCT ने यह भी पाया कि जो सनंत इंडस्ट्रियल बेस है वहां पे फार्मा इंडस्ट्रीज चालू हैं और अब ऑटोमोबाइल यूनिट्स भी चालू हो गई हैं जो करीब 50% क्षमता पर काम कर रही हैं और 50,000 में से करीब 30,000 मजदूर काम पर वापस आ चुके हैं। IMCT ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और अपने सारे सुझाव उनके साथ साझा किए। हमारा पूरा विश्वास है कि केंद्र और राज्य सरकारों के संगठित प्रयासों से हम COVID-19 के विरुद्ध जो हमारा अभियान है उसमें सफल होंगे। धन्यवाद। हेल्थ मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव प्लीज। पिछले एक दिन में अगर हम देखें तो देश में 1,543 नए केसेज आए हैं जिससे कि हमारे टोटल कन्फर्म केसेज की संख्या अब 29,435 हो चुकी है। और अगर हम देखें कि जो हमारे 21 एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं तो उनकी संख्या 21,632 है। अब तक पिछले 24 घंटे में 684 पेशेंट्स हैव बीन फाउंड क्योर्ड जिससे कि हमारा टोटल लोग जो क्योर हुए हैं वह संख्या 6,868 हो चुकी है। इससे हमारा रिकवरी रेट करीब 23.3% इस टाइम समय हो गया है जो कि एक बहुत ही प्रोग्रेसिव इंक्रीज है। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा, आज देश में 17 ऐसे जिले हैं जहां पर पहले केस आए थे लेकिन पिछले 28 दिनों से कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इन जिलों में एक जिले की बढ़ोतरी हुई है जैसे कि कल बताया था हमने आपको, और एक जिला ड्रॉप हुआ है यानी कि दो जिले ऐड हुए हैं और एक जिला ड्रॉप हुआ है। जो जिले ऐड हुए हैं वह है कलिम्पोंग वेस्ट बंगाल में, वायनाड केरला में, और जो जिला जहां पर एक एडिशनल केस आया है वह लखीसराय बिहार में। इसका सीधा तात्पर्य यही है कि हमें कांस्टेंट विजिल मेंटेन रखने की आवश्यकता है। किसी भी जिले में, किसी भी स्टेट में जब हम कार्य कर रहे तो वहां पर किसी भी तरह की रिलैक्सेशन ना हो। आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और उनके 18 ऑटोनोमस बॉडीज और साथ में उनसे संबंधित PSUs के डायरेक्टर्स के साथ रिसर्च के बारे में समीक्षा की। उन्होंने मेक इन इंडिया के तहत एंटीबॉडी डिटेक्शन किट्स, रियल टाइम PCR बेस्ड डिटेक्शन किट्स और COVID-19 के लिए वैक्सीन के डेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक करने के लिए कहा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने आज दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, कॉरपोरेशन कमिश्नर्स, दिल्ली के सभी जिलों के DMs और DCPs, सेंट्रल और स्टेट के जितने हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनके डायरेक्टर्स के साथ भी कोविड सर्विलेंस के करंट स्टेटस का दिल्ली और आसपास के प्रांतों से संबंधित रिव्यू किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वेरी माइल्ड या प्री सिम्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए होम आइसोलेशन पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिन पेशेंट्स के पास सेल्फ आइसोलेशन के लिए उनके रेजिडेंस पर रिक्वायर्ड फैसिलिटी है उनके पास इस होम आइसोलेशन के लिए ऑप्शन होगा। ये प्रेजेंट गाइडलाइंस जो हमने इश्यू की है, ये गाइडलाइंस 7 अप्रैल को जो हमने इससे पहले सस्पेक्टेड और कंफर्म केसेस को मैनेज करने से संबंधित गाइडलाइन थी उनके एडिशन में है। होम आइसोलेशन की जो गाइडलाइंस हैं इसमें कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं।
जैसे कि पेशेंट को सेल्फ आइसोलेशन पर एक अंडरटेकिंग को भरना होगा, मेडिकल ऑफिसर द्वारा व्यक्ति को क्लिनिकली या तो वेरी माइल्ड केस या प्री सिम्टोमेटिक केस डायग्नोस करना होगा, उन्हें मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हुए उसको निरंतर उपयोग करना होगा, उनके पास सेल्फ आइसोलेशन के लिए और उनके फैमिली कॉन्टेक्ट को प्रॉपर क्वारंटाइन करने के लिए रिक्वायर्ड फैसिलिटी होनी चाहिए, 24/7 बेसिस पर देखभाल करने के लिए उनके पास एक केयर गिवर अवेलेबल होना चाहिए और केयर गिवर और हॉस्पिटल के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन लिंक स्टैब्लिश होना चाहिए। केयर गिवर और उनके जितने भी क्लोज कॉन्टेक्ट हैं उनको हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन प्रोफाइल एक्सिस के रूप में लेना होगा। पेशेंट अपनी हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए एग्री करें और डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर को अपने हेल्थ स्टेटस के बारे में रेगुलरली इन्फॉर्म करते रहें। उनको तुरंत मेडिकल अटेंशन लेनी चाहिए इन केस कि अगर उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी या चेस्ट में कोई पेन या प्रेशर हो या लिप या फेस पर कोई ब्लश डिस्कलरेशन डेवलप हो या कोई ट्रीटिंग मेडिकल ऑफिसर के एडवाइज हो तो वो अपने होम आइसोलेशन से निकलकर रिक्वायर्ड हेल्थ फैसिलिटी में जाएं। होम आइसोलेशन जब तक कि क्लिनिकल सिम्टम रिजॉल्व ना हो जाए या साथ में टेस्टिंग के द्वारा वेब पेशेंट नेगेटिव ना पाया जाए तब तक कंटिन्यू करना होगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि पेशेंट जब अपने घर पर रहें तो पेशेंट हर समय ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क का उपयोग करें, एक आइडेंटिफाइड रूम में ही रहें और घर के अन्य लोगों से दूर रहें, विशेषकर बुजुर्गों से या उन लोगों से जिनको कोई मॉर्बिड कंडीशन है जैसे हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज या रीनल डिजीज एटसेट्रा। वह घर के अन्य लोगों से कोई अपना पर्सनल आइटम शेयर न करें और जिन सर्फेसेस पर हम ज्यादातर टच करते रहते हैं उनको रेगुलरली क्लीन करते रहें। साथ ही जैसे कि अभी कहा है कि उनको ध्यान रखने के लिए केयर गिवर होना चाहिए, वह केयर गिवर भी जब उनकी देखभाल करे तब एक ट्रिपल लेयर मास्क का इस्तेमाल करे, पेशेंट के बॉडी फ्लूइड के साथ उस केयर गिवर का कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ना हो, विशेष रूप से ओरल या रेस्पिरेटरी सिक्रीशन, और पेशेंट को संभालते समय केयर गिवर को डिस्पोजेबल ग्लव्स का उपयोग करना चाहिए। पेशेंट द्वारा उपयोग की गई सर्फेसेज, कपड़े या लिनन की सफाई या हैंडलिंग करते समय भी ट्रिपल लेयर मास्क या डिस्पोजेबल ग्लव्स का उपयोग होना चाहिए। केयर गिवर और जो भी क्लोज कॉन्टेक्ट हैं वह भी अपना टेम्परेचर स्क्रीनिंग करते रहें और कोई भी ऐसा इश्यू आए जिसमें कि उनको कोई सिम्टम दिखते हैं तो उनको हमेशा सर्वेलेंस ऑफिसर की दृष्टि में लाना पड़ेगा। इसके साथ ही आज मैं आप सब लोगों को एक मुख्य विषय के बारे में भी अवगत करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू मेंशन अबाउट द प्लाज्मा थेरेपी फॉर COVID-19 विच हैज बीन टॉक्ड अबाउट ऑफ लेट। इस पर काफी चर्चा हो रही है। इन दिस रिगार्ड लेट मी क्लैरिफाई दैट ICMR हैज ऑलरेडी स्टेटेड वेरी क्लियरली दैट करंटली There are no approved therapies for COVID-19, including plasma therapy. मैं फिर से आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि COVID-19 के लिए आज देश में क्या दुनिया भर में भी कोई अप्रूव थेरेपी नहीं है। एंड प्लाज्मा थेरेपी इज वन ऑफ द थेरेपी विच इज बींग एक्सपेरिमेंटेड विद। हाउएवर सो फार देर इज नो एविडेंस टू सपोर्ट इट एज ए ट्रीटमेंट। यह अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है, इसका कोई एविडेंस नहीं है कि इसको ट्रीटमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। USFDA ने भी इसे एक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी के रूप में ही देखा है। ICMR ने एक नेशनल स्टडी को लॉन्च किया है ताकि वे इस थेरेपी की एफिकेसी के बारे में स्टडी कर सके। इसलिए इस विषय में यह क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है कि जब तक कि ICMR अपनी स्टडी को कंक्लूड ना कर ले, रोबस्ट साइंटिफिक प्रूफ अवेलेबल ना हो, तब तक इस थेरेपी को केवल हम या तो रिसर्च या ट्रायल पर्पज के लिए ही उपयोग करें। इनफैक्ट जो प्लाज्मा थेरेपी है अगर इसको हम प्रॉपर तरीके से प्रॉपर गाइडलाइंस के तहत इस्तेमाल ना करें तो इससे लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। जब तक यह थेरेपी प्रॉपरली अप्रूव नहीं है या इसकी इफेक्टिवनेस सिद्ध नहीं हुई है तब तक इसके बारे में किसी भी तरह का दावा किसी भी स्थाई पर करा जाना बिल्कुल अनुचित है। ICMR की स्टडी के बारे में कहीं भी इस प्रकार का प्रयोग पूरी तरह से इलीगल है और दूसरी तरफ पेशेंट की जान को इससे खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। इस संबंध में ICMR ने डिटेल गाइडलाइंस पहले से ही जारी भी की हुई हैं। साथ ही मैं आप लोगों की दृष्टि में एक पॉजिटिव न्यूज ये भी लाना चाहूंगा कि अगर हम दुनिया के 20 देश जहां पर कि अब तक मैक्सिमम केसेस WHO के रिकॉर्ड के हिसाब से अभी तक आए हैं उनको अगर हम नोट करें तो उनकी पॉपुलेशन, उनकी जनसंख्या करीब हमारे देश की जनसंख्या के बराबर होती है। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि हम कई देशों के समान हमारे देशों की जनसंख्या है। और कल का अगर हम WHO का डेटा देखें
तो हम पाते हैं कि अगर हम उन 20 देशों में आए हुए कंफर्म केसेस की संख्या लें और अपने देश की कंफर्म केसेस की संख्या लें, तो हम पाते हैं कि इंडिया में उन देशों के मुकाबले 1/84, यानी कि उन देशों में इंडिया में जितने केसेस रिपोर्ट हुए उससे 84 गुना ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह से अगर हम डेथ की संख्या भी देखें तो हम पाते हैं कि इन 20 देशों में जितनी डेथ रिपोर्ट हुई है उससे इंडिया में 1/200 टाइम्स, यानी कि उन देशों में इंडिया में जितनी डेथ रिपोर्ट हुई है उससे 200 गुना डेथ ज्यादा रिपोर्ट हुई है। यूं तो ये हम सबको पता है कि हमारे लिए, देश के लिए हर केस, हर डेथ दुखद है, लेकिन फिर भी अगर हम दूसरे देशों के कंपैरिजन में कुछ अच्छा कर पा रहे हैं तो उसके पीछे मुख्य एफर्ट देश के लेवल पर की गई प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव और ग्रेडेड अप्रोच है, और देश का हर लेवल पर जो सिपाही के रूप में हमारे स्टेट के साथ जो कोऑर्डिनेशन रहा है वह एक बहुत एफर्ट है। और उससे भी सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र हैं हमारे देश के वो नागरिक जो लॉकडाउन को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, और वह फ्रंटलाइन वर्कर्स जो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की देखभाल कर रहे हैं। लेकिन हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि हमें अपनी जो भी रिलेटिव बेटर परफॉर्मेंस है उसको मेंटेन रखना है, क्योंकि हमारे लिए आवश्यक है कि हम प्रतिदिन एक बैटल लड़ रहे हैं, प्रतिदिन एक लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें किसी भी समय में रिलैक्स होने का कोई स्कोप नहीं है, हमारे रेस्पॉन्स में कहीं पर भी कोई ढिलाई ना आए। हम इसी मोमेंटम के साथ, इसी कॉन्फिडेंस के साथ अपने इस प्रयत्न में लगे रहें, देश का हर नागरिक सपोर्ट दे ताकि हम इस बीमारी से निजात पा सकें। धन्यवाद। धन्यवाद। जितेंद्र तिवारी, हिंदुस्तान समाचार। मैं जितेंद्र तिवारी, हिंदुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी से। डॉक्टर साहब, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, खासकर जो डॉक्टर्स हैं, वो सारे जितने सेफ्टी मेजर्स हैं वो लेते हैं, ग्लव्स पहनते हैं या जो कुछ भी आप बताते हैं, उसके बाद भी खबर आती है कि वो उनमें से बहुत लोगों को हो रहा है, क्या कोई टोटल संख्या देश की आई है? दूसरा, क्या कोई स्टडी की है कि इतने सेफ्टी मेजर्स के बाद भी वो कैसे संक्रमित हो जाते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, आपने कल कहा था कि जो व्यक्ति ठीक हो जाता है, जो कोरोना से बाहर आ जाता है, वो दूसरे को साधारण तौर पर संक्रमित नहीं करता है, उससे बहुत बचने की या उससे दूरी बनाने की जरूरत नहीं है, इसकी भी क्या कोई स्टडी हुई है? क्योंकि बहुत लोग दोबारा भी बीमार पड़ रहे हैं, ऐसे भी बाहर से समाचार आए। सर देखिए, पहला इशू जैसे आपने बताया है कि अगर कभी भी कोई भी हेल्थ प्रोफेशनल रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस को नहीं लेगा तो वह संक्रमित हो सकता है। ये हमारे लिए शुरू से ही एक बहुत सोचनीय विषय रहा है, जिसके बारे में आपके द्वारा भी और हम स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, और हमारे एम्स के द्वारा जो ऑनलाइन ट्रेनिंग पूरे देश में जा रहे हैं उसमें हम बताते रहे हैं। हमारे लिए जरूरी है कि हमारे सारे हेल्थ प्रोफेशनल जो रिक्वायर्ड गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करें। अगर रिक्वायर्ड गाइडलाइंस फॉलो नहीं करेंगे तभी इन्फेक्शन होने का खतरा है। आप ये मान के चलिए कि हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स COVID-19 ही नहीं, अपने ICU में जब वह डिफरेंट टाइप की डिजीजेस को डील करते हैं, डिफरेंट टाइप की सर्जिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, तो उनको रिक्वायर्ड प्रिकॉशन लेनी होती है, जिसकी वजह से ही हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स उन सारी डिजीजेस को मैनेज करते हुए भी अपने आप को बचा कर रखते हैं। तो जरूरी है कि हम हर तरीके से जो भी प्रिकॉशंस हैं उसको फॉलो करें। उसके अलावा जैसे आपने दूसरा प्रश्न पूछा था, देखिए इसमें भी अभी वर्ल्ड ओवर कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं जो कि बहुत ही मिनिस्क्यूल नंबर है, कि कुछ लोग पहले ठीक हुए लेकिन उनके बाद में उनको फिर कोरोना इन्फेक्टेड पाया गया, लेकिन ये इतना भी मिनिस्क्यूल परसेंटेज है कि इसके बारे में अभी हम कंक्लूसिव एविडेंस ये नहीं ले सकते कि जो कोरोना से संक्रमित आदमी है वह ठीक हो गया तो वो सारे के सारे ही ऐसे हो जाते हैं। ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि हम ये समझें कि जो आदमी पेशेंट ठीक हो चुका है PCR टेस्ट के द्वारा, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है, जो क्लियर हो चुका है, तो वह पर्टिकुलर पर्सन बिल्कुल ठीक है। मैम, इससे पहले भी कई बार हम बता चुके हैं कि हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द केसेस जो हेल्थ प्रोफेशनल्स के आए हैं वह पर्टिकुलर नंबर प्राइमरीली ऐसा है कि उन्होंने अपनी फैमिली मेंबर्स को या और दूसरे लोगों को संक्रमित किया है। तो दो टाइप के इन्फेक्शन पाए गए हैं। एक इन्फेक्शन पाया गया कि ही मे बी हेल्थ प्रोफेशनल बट ही एंडेड अप इन्फेक्टिंग पीपल इन पार्टीज एंड अदरवाइज। दूसरे टाइप के केसेस आए हैं कि जिसमें कि हेल्थ प्रोफेशनल्स ड्यूरिंग हेल्थ केयर रिलेटेड एक्टिविटीज भी संक्रमित पाए गए हैं। अगेन मैं आप लोगों से फिर ये कहूंगा कि जब हम यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस करते हैं तो हमारा मेजर फोकस हमेशा होता है कि हम आपको प्रोसेसेस के बारे में बताएं, और अगर आपको कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर चाहिए तो हम आपको बाद में प्रोवाइड करा सकते हैं।
मिस्टर रविंदर जी न्यूज। बहुत छोटे सवाल है, एक तो कि अगर किसी वर्क प्लेस पर किसी संस्थान में अगर कोई कोविड 19 पॉजिटिव हो जाता है तो क्या उस पूरे संस्थान को वर्क प्लेस को सील कर दिया जाएगा, कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा या फिर उसमें कुछ रियायत मिलेगी, इस तरह कोई एडवाइजरी जारी हुआ है? और दूसरा, अगर लॉकडाउन जब हुआ उसके बाद से आज तक केसेज जो लगभग 30,000 के आसपास आए हैं, पहले ये बताया जा रहा था कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो 8 लाख, फिर 40 लाख, कोई लोग कोई डाटा बोल रहा है कि 1 करोड़ तक पहुंच जाता, तो क्या लॉकडाउन से इसमें हमने सफलता पाई है, क्या वो सफल रहा और आंकड़े किस हिसाब से देखते हैं? दोनों सवाल करें। पहले सवाल के बारे में, जैसे आपने बताया कुछ दिनों पहले हमने इस पर डिटेल चर्चा की थी कि अगर किसी पर्टिकुलर नॉन कोविड हॉस्पिटल में भी कोई पेशेंट कोविड में पाया जाता है या पर्टिकुलर लोकेशन पर कि अगर कोई हमारा हेल्थ प्रोफेशनल उस पर्टिकुलर फैसिलिटी में इन्फेक्ट होता है, तब आप लोगों की दृष्टि में हम लाए थे कि मुख्यतः वहां पर अगर आप प्रॉपर डिसइंफेक्शन करें तो आप उस पर्टिकुलर फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। सेम प्रोसेस वुड बी एप्लीकेबल टू ऑल अदर लोकेशंस कि जहां पर अगर कोई कोविड पेशेंट पाया जाता है किसी पर्टिकुलर लोकेशन में, किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग में, रिक्वायर्ड डिसइंफेक्शन प्रोसेस को फॉलो किया जाए और उसके फॉलो करने के बाद उस बिल्डिंग को आप यूज कर सकते हैं। रिगार्डिंग लॉकडाउन, आप लोगों की दृष्टि में मैं लाना चाहूंगा कि जो हमारा मेजर फोकस रहा है कि हम ये इंश्योर करें कि अगर कोई प्रोजेक्शन की जाए तो प्रोजेक्शन के पीछे मुख्य अंश ये होता है कि हम ये मालूम करते हैं, ये देखते हैं कि डेटा के हिसाब से कि हमारा आज का प्रेजेंट ग्रोथ रेट ऑफ केसेस क्या है, और अगर हमारा वो प्रेजेंट ग्रोथ रेट ऑफ केसेस है और हम उसी समान गति से आगे बढ़ते रहें तो हम कितने केसेस तक पहुंच रहे हैं, जो कि एक प्रोजेक्शन होती है। फिर हमारा दूसरा एफर्ट होता है कि अगर हम इस गति को कम करें तो उसके लिए हमें क्या क्या कार्य प्रणाली उसको फॉलो करना चाहिए। तो जैसे कि चाहे हम लॉकडाउन की बात करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग के प्रमोशन की बात करें, साथ ही कंटेनमेंट एक्टिविटीज की बात करें, उसके द्वारा हम उस गति को भी धीमा करने का प्रयत्न करते हैं। और जिसके तहत ही आप पाते हैं कि हम लोगों ने आपको डेटा के द्वारा इससे पहले भी बताया है कि अगर कोई एक प्रोजेक्शन की गई हमारे लेवल पर उससे भी कम केसेस पाए गए। एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हमारा डबलिंग रेट यानी कि जितने दिनों में केसेस डबल होते हैं, लॉकडाउन से पहले करीब 3.4 के करीब जो होवर कर रहा था, आज वह करीब 10.2 है। यानी कि पहले 3.75 दिनों में जो केसेस डबल हो रहे थे आज वो 10 दिन में डबल हो रहे हैं। एंड इसका मुख्य कारण जो हमेशा अफर्ट रहा है कि कैसे कंटेनमेंट पर फोकस करें, कैसे हम फिजिकल डिस्टेंसिंग और साथ में हम जो अपना लॉकडाउन से रिलेटेड एक्शन को कैसे इंप्लीमेंट करें। एक ऑनलाइन क्वेश्चन है, हैज द आगरा मॉडल फेल्ड, क्वारंटाइन सेंटर्स आर नॉट वेल फंक्शनिंग इन आगरा, सो हाउ डू यू रेट इट विद योर मॉडल? सो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन एंड रिक्वेस्ट एवरीवन, देयर इज नथिंग कॉल्ड एनी मॉडल, देयर इज नो नथिंग कॉल्ड एन आगरा मॉडल और नथिंग कॉल्ड ए भीलवाड़ा मॉडल एटसेट्रा। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज आवर कंटेनमेंट स्ट्रेटजीज। We have brought to your notice such good practices, such containment action at the field level, primarily to highlight कि वहां पर effort किए गए। लेकिन जब हमने आपको कभी भी किसी एक relative success के बारे में बताया तो उसके साथ ही एक और चीज हम हमेशा मुख्य रूप से आपसे कहते रहे हैं कि हम एक infectious disease से deal कर रहे हैं। हमारी एक दिन की चूक, हमारा एक दिन का less effort हमारे को उस situation में फिर से ले जा सकता है कि हमारी जो success है वो non-success में convert हो जाए। तो हम आपके द्वारा एफर्ट ये करते हैं कि अगर कहीं पर अच्छा कार्य हुआ है जो कि देश की द्वारा दी गई कंटेनमेंट स्ट्रेटजी के तहत हुआ है, उस कार्य को आपके द्वारा बताया जाए, उसके द्वारा फील्ड स्थाई पर जो हमारे वर्कर दिन रात 24 घंटे काम कर रहे हैं और अब से नहीं पिछले 3.5 महीने से काम कर रहे हैं, उनको भी प्रोत्साहन मिले और सब लोग मिलकर एकजुट होकर कहें कि किसी भी तरीके से हमें इस बीमारी का इस देश से निर्मूल करना है। मिस्टर एसएम आशिफ इन दिनों जी, हमारा सवाल ये है कि किट आने के बाद से पूरे देश में अब तक कितनी जांच हुई है? सर, आईसीएमआर का डेटा मैं इस टाइम नहीं लेके आया हूँ, आईसीएमआर के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव आते हैं वो जनरली आपको बताते रहते हैं। हाउएवर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आईसीएमआर की वेबसाइट पर डिटेल डेटा अवेलेबल है। मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी कभी आप मेरे से कभी भी डेटा रिलेटेड प्रश्न पूछें तो हम सारा डेटा जो रेलेवेंट डेटा है अपनी वेबसाइट पर प्रोवाइड कराते हैं, तो काइंडली आप उससे भी ले सकते हैं। मिस्टर सिंगल, यस, मेरा सवाल ये है कि होम मिनिस्ट्री से जानना चाह रहे हैं कि जूम मीटिंग को लेकर जो ऐप है उसको लेकर सरकार ने कुछ ऑफिशियल डायरेक्शन जारी की,
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई थी कि हाउ टू डू सेफ यूज ऑफ अ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, सो दैट्स अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट. लास्ट क्वेश्चन, फॉलो मी इंडिया टुडे. Reports of what NIV has found about 10 mutations of the virus itself, one to be extremely potent that can, you know, efficiently apparently enter the lungs. So can you tell us a little bit more about that? And you mentioned about plasma therapy not to be treated as a treatment but for trial and research purposes, but then there are a lot of private hospitals that used it, were not approved to do the same as well. What would you say about that? Ma'am, as far as the NIV and mutation, I would really urge ki, because you know this is such lightly technical matter, let a scientist, next time when we are sitting together, let him explain to you in detail. As far as the plasma therapy, I have been very emphatic. I highlighted to you that this is not a proven therapy. It is still in experimental stage. And till that, right now even ICMR is doing it as a experiment, pan-Indian experiment, to identify and do additional understanding of this particular therapy. And till the time it is approved, no one should use it, and it will be harmful to the patient as well as also it will be illegal. Thank you, friends. Thank you very much. Certain time has been allotted for the program. There is something, so please cooperate with us. Thank you.